रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज सैटरडे 19 फरवरी 2022, आज शनिवार 19 फरवरी 2022, आज पास्टर क्रिस ओयाकेरोंग द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, इफेशियंस 5:15-16 एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, इफेशियंस 5:15-16 एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से। आज इस वचन के इफिसियों के पत्री 5:15-16 वचन हिंदी में BSI बाइबल से पढ़ेंगे, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन यानी विस्तारित बाइबल में से दिया गया है। इफिसियों के पत्री 5:15-16 वचन जो हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, लेकिन इंग्लिश में ये एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से दिया गया है, विस्तारित बाइबल में से। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, लिव पर्पसफुली, उद्देश्य के साथ जिए, लिव पर्पसफुली, उद्देश्य के साथ जिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाकेरोंग हमको ये वचन के आधार से आज का विषय सिखाते हैं, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, लिव पर्पसफुली एंड वर्दिली एंड एक्यूरेटली, नॉट एज द अनवाइज एंड विटलेस बट एज वाइज सेंसिबल इंटेलिजेंट पीपल, मेकिंग द वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम, बाइंग अप ईच अपॉर्चुनिटी बिकॉज द डेज आर इवल। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 5:15-16 एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, लिव पर्पसफुली एंड वर्दिली एंड एक्यूरेटली एंड एक्यूरेटली, नॉट एज द अनवाइज एंड विटलेस बट एज वाइज सेंसिबल इंटेलिजेंट पीपल, मेकिंग द वेरी मोस्ट ऑफ द टाइम, बाइंग अप ईच अपॉर्चुनिटी बिकॉज द डेज आर इवल। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों के पत्री 5:16-17 वचन, इफिसियों के पत्री 5:15-16 वचन, 16 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, 15:16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 5:15-16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पास्टर क्रिस ओयाकेरोंग हमको ये वचन के आधार से विषय सिखाते हैं, रिसेंटली द डेविल डेस्परेटली अटेम्प्टेड टू फोर्स द वर्ल्ड इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटीक्राइस्ट, रिजल्टिंग इन सो मच डिसेप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स, लाइवलीहुड्स एंड बिजनेसेस। नज़दीक समय में एक ऐसा समय आया था जहाँ शैतान ने बड़े उग्रता के साथ बहुत व्याकुल कर दिया था, एक जोर भेजकर जगत के ऊपर, वो सारे सृष्टि जो वातावरण है उसमें मसीह विरोध को उसने जगाया था, जिसका नतीजा धोखा और नाश हो रहा था जीवनों का और जीवन के प्रवाह का, व्यापारों का। बट थैंक्स बी अन टू गॉड, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, The church rose to the occasion and truncated all of Satan's plans and stratagems. Hallelujah. कलसिया उठ खड़ी हो गई उसी मौके के दौरान और अपने स्थान को उसने स्थापित कर लिया, शैतान के सारी योजनाओं को उसने कटवा दिया और उसके सारी युक्तियां भी कटवा दी। Hallelujah. बट वाई डिड सच थिंग्स इवन हैपन एट ऑल, परंतु फिर ये ऐसी चीज़ें हुई क्यों थी,
इट वॉज बिकॉज मैनी ऑफ गॉड्स पीपल वी आर लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम टू कंज्यूम अपॉन देयर लस्ट्स मेशरिंग देयर सक्सेसेस विद अर्थली थिंग्स. इसका कारण ये है कि परमेश्वर के लोग सीख रहे थे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को, कि उन सिद्धांतों को सीख कर वो परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को सीख कर वह अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते थे. और वह सब कुछ सफलताओं को जो गिनती कर रहे थे वो पृथ्वी की चीज़ों के साथ तुलना करके उसी में से वो सफलता को जीत रहे थे. दे बिगेन टू लिव एज दो दिस वर्ल्ड इज ऑल देयर इज, नॉट रियलाइजिंग दैट लाइफ ऑन अर्थ इज शॉर्ट. उन्होंने शुरुआत किया था जीवन को जीना जो इस जगत के अंदर हो रहा है, जबकि उनको पता है कि हम जगत के बिल्कुल नहीं हैं. हम तो ये जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, बहुत ही छोटा सा समय रह गया है. वह यह सब बातें भूल चुके थे. Whether you are a politician, an entrepreneur, civil servant, whoever you are, and whatever activities you are involved in, the end of all things is at hand. आप चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कोई भी प्रकार के आप कामकाजी हो, कहीं पर भी आप कुछ कर रहे हो, कोई कामकाज या कार्य कर रहे हो, तो आप किसी में भी आप अपने आप को रखे हुए हैं, फिर भी सब कुछ का अंत बहुत निकट आ चुका है. बस एक हाथ भर के दूरी पर रहा है. लिव पर्पसफुली, इसके लिए मकसद रख कर जिए. रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम द लॉर्ड. आप ऐसा कुछ भी होने मत दीजिए जिससे प्रभु के ऊपर से आपका ध्यान हटा लिया जाएगा. गेन is not godliness. 1 Timothy 6 chapter 5 verse. आप जो प्राप्त करते हो वह कोई ईश्वरीयता नहीं रहती है. पहले तिमोथियोस की पत्री 6 अध्याय 5 वचन में ये बात हम पढ़ते हैं. पहले तिमोथियोस की पत्री 6 अध्याय 5 वचन, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है. तो कोई भी प्रकार से ये जो तरीका है जीवन को देखने का कि कुछ प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वह ईश्वरीयता है. डोंट थिंक that since you are acquiring possessions and recording success with earthly things, that means you are fulfilling God's will. ऐसा मत सोचिए कि आप पृथ्वी के जगहों में सब कुछ प्राप्त करते जा रहे हो और अपने सफलताओं के विषय में पृथ्वी की चीज़ों को अपने साथ लिए हुए दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो. इसीलिए आप ज़रा भी ऐसा मत सोचिए ऐसे सब करके आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हो. नो, डोंट यूज अर्थली थिंग्स टू मेजर गॉड्स अप्रूवल. नहीं, आप पृथ्वी की चीज़ों को लेकर परमेश्वर के आपके ऊपर सहमति है इस बात का नापदंड मत सोचिए. ऑल्सो नेवर थिंक यू लॉस्ट एनीथिंग फॉर फॉलोविंग एंड सर्विंग द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर हैड जस्ट बिकॉज यू डोंट सीम टू हैव मच ऑफ दिस वर्ल्ड्स गुड्स. फिर ऐसा भी मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया है जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो और परमेश्वर प्रभु की आप सेवा कर रहे हो अपने पूरे हृदय के साथ, और आपके पास फिर भी जो है वो बहुत ही थोड़ा है. जितना जगत के अंदर के अच्छी बातें हैं उसमें से आप देखने के लिए जाए तो लगभग ही कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सारा तो आपके पास है ही नहीं. तो इसका मतलब ये भी मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ खोया है इस जगत के अंदर प्रभु के पीछे चलते समय.
द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस अर्थ इज टू सर्व द लॉर्ड विथ योर लाइफ एंड फुलफिल हिज पर्पज फॉर योर लाइफ। सबसे महान और उत्तम चीज़ यह है पृथ्वी के ऊपर कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हो अपने जीवन के साथ, और आप उसके उद्देश्य को अपने जीवन में लेकर पूरा कर रहे हो। फ्री योर सेल्फ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ entanglements and encumbrances and serve the Lord joyfully with a pure heart। अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिए हर एक प्रकार के, जो भी आप कहीं पर भी फंसे अटके पड़े हुए हैं और आप कोई चीज़ों के अंदर अपने आप को फंसाए रखे हैं, उनमें से आज़ाद कर लीजिए अपने आप को और प्रभु की सेवा कीजिए आनंद से भरपूर होकर शुद्ध मन के साथ। डोंट एसोसिएट सक्सेस विद गॉड विद द वर्ल्ड सिंबल्स ऑफ सक्सेस। आप परमेश्वर के, जो सफलता कहा जाता है, परमेश्वर के साथ जगत की सफलताओं को मत जोड़िए। जो जगत जिसे कहता है सफल, ऐसे चिन्ह लगाता है जिसको वो कहता है सफल, उसके साथ आप बने मत रहिए परमेश्वर के साथ सफलता दिखाने के लिए। Serve God with a perfect heart and be excited to praise Him irrespective of the challenges you might be facing। परमेश्वर की आप सेवा कीजिए सिद्ध हृदय के साथ और हमेशा उत्तेजित रहिए प्रशंसा करते हुए उसकी, और कोई परवाह नहीं कैसी चुनौतियों को आप सामना कर रहे होते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि पास्टर क्रिस और यहाँ के लोग द्वारा जो परमेश्वर पिता वचन हमको आज मिला है, हमारे अंदर इससे पिता एक लेवल ऊंचा हो चुका है। इस विश्वास का स्तर ऊंचा करने के लिए धन्यवाद। जैसे हमको लाभदायी हुए हैं ये वचन, वैसे पिता हम औरों के लिए और हमारे सारे इर्द गिर्द में और आपके राज्य को बढ़ाने में इन वचनों को लाभदायी होने के लिए हमारे द्वारा हम कर सके, ऐसा होने दीजिए। हम सब कुछ के लिए तेरे राज्य को बढ़ाने में लाभदायी रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। मांगते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।